क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है? तो आपने देखिए, एक्सपेरिमेंट अगर किया है, क्लास 10th में एक्सपेरिमेंट आएंगे, उसमें कुछ प्रेसिपिटेट बनेंगे, तो उसमें होता क्या है कि हम दो सॉल्ट को मिला देते हैं, जब दो सॉल्ट को मिलाते हैं तो कोई अगर एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बन जाता है, कोई ऐसा सब्सटेंस जो सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं है, वो आपकी टेस्ट ट्यूब में नीचे उसकी तली में बैठ जाता है, वो आपका प्रेसिपिटेट होता है, और इस प्रोसेस को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। तो फिर सही से समझ लेते हैं होता क्या है। इफ इन अ केमिकल रिएक्शन, अगर किसी केमिकल रिएक्शन में इन विच जिसमें कैटाइन और एनाइन, कैटाइन आपको मालूम होगा जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है वो कैटाइन्स होते हैं, और जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है वो एनाइन्स होते हैं। तो जब कैटाइन और एनाइन आपस में कंबाइन होते हैं टू फॉर्म अ इनसॉल्युबल आयनिक सॉलिड, कंबाइन होते हैं और एक इनसॉल्युबल मतलब ऐसा सब्सटेंस जो वाटर में डिजोल्व ना हो, इनसॉल्युबल आयनिक सॉलिड बनाते हैं, तो इस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। और जो चीज टेस्ट ट्यूब के नीचे बैठ जाती है उसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। द सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन इज नोन एज प्रेसिपिटेट। तो एग्जाम्पल लेते हैं, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट वाला एग्जाम्पल ले लीजिए आप, यही मैंने एग्जाम्पल डबल डिस्प्लेसमेंट में भी आपको समझाया है। इसमें आप ध्यान से देखेंगे, सोडियम सल्फेट है, बेरियम क्लोराइड से रिएक्शन करके बेरियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड बना रहा है। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे, बाकी तीनों एक्वस हैं और जो बेरियम सल्फेट है वो सॉलिड है, यानी बेरियम सल्फेट आप अगर इन दोनों सब्सटेंस को मिलाएंगे तो बेरियम सल्फेट उस टेस्ट ट्यूब के नीचे बैठ जाएगा, तली में बैठ जाएगा पाउडर बन के। इसका वैसे कलर वाइट होता है, वाइट कलर्ड सब्सटेंस फॉर्म होता है, तो ये क्या कहलाता है, ये प्रेसिपिटेट कहलाता है। और ये प्रोसेस क्या कहलाती है, इसके बाहर निकलने की, इनसॉल्युबल सब्सटेंस के बनने की, ये कहलाती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो आई होप आपको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन समझ में आ गई होगी। अगर आपको इस वीडियो से ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसके अलावा आप हमारे इस वीडियो को व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, हाइक पे शेयर कर सकते हैं, जी प्लस कर सकते हैं, फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।